इसराइल हमास युद्ध की वजह से अब पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग से धधक रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब ये युद्ध समूचे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेगा, क्योंकि पहले गाजा में इजरायली सेना हमास से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला कहर बरपा रहा है और हिजबुल्ला को सबक सिखाने के लिए इसराइल अब लेबनान पर आक्रमण कर सकता है। लेकिन ईरान पहले ही कह चुका है कि वो हिजबुल्ला के साथ खड़ा है। वहीं यमन का हूती भी हिजबुल्ला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और इस लिस्ट में इराक और सीरिया के प्रतिरोधी संगठनों का नाम पहले ही जुड़ा है और ये सभी मिलकर इसराइल से कह रहे हैं कि अगर उसने हिजबुल्ला पर हमला किया तो वो इसराइल का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के हालात एक ज्वालामुखी में तब्दील हो चुके हैं जो कभी भी फट सकता है, और अगर युद्ध का ये ज्वालामुखी फटा तो कहीं दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत न हो जाए। वो इसलिए क्योंकि अब तुर्की भी हिजबुल्ला के समर्थन में आ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश इसराइल को खुली शह दे रहे हैं, उसे लेबनान पर हमला करने का समर्थन दे रहे हैं। एर्दोगन का कहना है कि इसराइल की आंखें अब लेबनान के ऊपर हैं। हम देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे से पश्चिमी शक्तियां इसराइल की पीठ थपथपा रही हैं और यहां तक कि उनका समर्थन भी कर रही हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि नेतन्याहू की योजना युद्ध का दायरा बढ़ाने की है, जिससे एक बड़ी त्रासदी आएगी, और अगर इसराइल हिजबुल्ला पर हमला करता है तो तुर्की अपने भाइयों और लेबनान के साथ खड़ा है। मैं अन्य देशों से कहूंगा कि वो लेबनान के साथ एकजुटता से खड़े हों। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने साइप्रस देश को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इसराइल को अपनी जमीन का इस्तेमाल लेबनान पर हमला करने के लिए ना करने दे, और अगर ऐसा होता है तो साइप्रस को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसको लेकर तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने हैबर तुर्क न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, हम लगातार खुफिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं जिसमें कुछ देश ग्रीक साइप्रोट प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो साइप्रस का दक्षिणी बेस है। विशेषकर गाजा में हमलों को लेकर जब आप मिडिल ईस्ट में मौजूदा युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे तो ये आग तुम्हारे ऊपर भी आएगी और आप भी इसमें जलेंगे। साइप्रस इस संघर्ष से दूर रहे। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इससे पहले भी तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने नेतन्याहू पर खुले मंच से हमला बोला है। यहाँ तक कि उन्होंने हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो के मुखिया इस्माइल हानिये से भी इस्तांबुल में मुलाकात की थी, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने फिलिस्तीनियों के इसराइल के खिलाफ एकजुट होने की वकालत की थी। एर्दोगन नेतन्याहू की तुलना जर्मनी के पूर्व तानाशाह हिटलर से भी कर चुके हैं।